माननीय सभापति जी, चर्चा का प्रारंभ करते हुए जब गुलाम नबी जी बात बता रहे थे, कुछ आक्रोश भी था, सरकार को कई बातों से कोसने का प्रयास भी था, लेकिन वो बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन जब उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो बेमेल थी, अब जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का फैसला सदन में बिना चर्चा को हुआ, देश ने टीवी पर पूरे दिन भर चर्चा देखी है, सुनी है, और सभी तरफ से अपना अपना, ये ठीक है 2 बजे तक कुछ लोग वेल में थे, लेकिन बाहर से जब खबरें आने लगी तो सब समझ गए कि भाई अब जरा वापस जाना ही अच्छा है। देश ने देखा है, व्यापक चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय किए गए हैं, और सदन ने निर्णय किया है, सम्माननीय सदस्यों ने अपने वोट देकर के निर्णय किया है। लेकिन जब ये बात हम सुनाते हैं तो ये भी याद रखें, और आजाद साहब मैं आपकी याददाश्त को जरा ताजा कराना चाहता हूं, पुराने कारनामे इतना जल्दी लोग भूलते नहीं हैं। जब तेलंगाना बना तभी सदन का हाल क्या था, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टीवी का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया था, चर्चा को तो कोई स्थान ही नहीं बचा था, और जिस हालत में वो पारित किया गया था वो कोई भूल नहीं सकता है। और इसलिए हमें आप नसीहत दें, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी सत्य को भी स्वीकार करना होगा। दशकों के बाद आपको एक नया राज्य बनाने का अवसर मिला था, उमंग उत्साह के साथ सबको साथ लेकर के आप कर सकते थे। अभी आनंद जी कह रहे थे, राज्यों को पूछा, डिगने को पूछा, फलाने को पूछा, बहुत कुछ कह रहे थे। अरे कम से कम आंध्र तेलंगाना वालों को तो पूछ लेते कि उनकी क्या इच्छा थी। लेकिन आपने जो किया वो इतिहास है। और उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में एक बात कही थी, और मैं समझता हूं कि उसको आज हमने याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बीइंग हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ओवर द तेलंगाना इश्यू। अटल जी की सरकार ने उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, पूरे सम्मान के साथ, शांति के साथ, सद्भाव के साथ, और आज ये तीनों नए राज्य अपने अपने तरीके से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के जो भी फैसले लिए गए पूरी चर्चा के साथ और लंबी चर्चा के बाद हुआ है। यहां पर जम्मू कश्मीर की स्थिति के संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, मुझे भी लगता है कि सदन के सामने मुझे भी वो ब्यौरा देना चाहिए। 20 जून 2018 वहां की सरकार जाने के बाद एक नई व्यवस्था बनी, गवर्नर रूल लगा था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन आया और 370 हटाने का भी निर्णय हुआ। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, पहली बार वहां के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला। जम्मू कश्मीर में पहली बार पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। जम्मू कश्मीर में पहली बार महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वे अगर राज्य के बाहर विवाह करती हैं तो उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी।
पहली बार स्वतंत्रता के बाद वहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर में रेरा का कानून लागू हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप पॉलिसी, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनी भी और लागू भी हो गई। पहली बार, और ये तो देश को आश्चर्य होगा, पहली बार जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना हुई। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को सीमा पार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण आया। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के सत्कार समारंभ की परंपरा समाप्त हो गई। पहली बार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ वहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर के निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को उन भत्तों को लाभ मिला है जो अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को दशकों से मिलते रहे। पहली बार अब जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी LTC लेकर कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार घूमने जा सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, गवर्नर रूल के बाद 18 महीनों में वहां 4,400 से अधिक सरपंचों और 35,000 से ज्यादा पंचों के लिए शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में 3,30,000 घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया। 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना के गोल्ड कार्ड दिए जा चुके हैं। सिर्फ 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में वहां 1.5 लाख बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग जनों को सरकार की पेंशन स्कीम से जोड़ा गया है। आजाद साहब ने यह भी कहा कि विकास तो पहले भी होता था, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन विकास कैसे होता था मैं जरूर एक उदाहरण देना चाहूंगा। पीएम आवास योजना के तहत मार्च 2018 तक सिर्फ 3,500 मकान बने थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, 3,500। 2 साल से भी कम समय में इसी योजना के तहत 24,000 से ज्यादा मकान बने। अब कनेक्टिविटी सुधारने, स्कूलों की स्थिति सुधारने, अस्पतालों को आधुनिक बनाने, सिंचाई की स्थिति ठीक करने, टूरिज्म बढ़ाने के लिए पीएम पैकेज समेत अन्य कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय वाइको जी, उनकी एक स्टाइल है, बहुत इमोशनल रहते हैं हमेशा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे। वाइको जी, ये ब्लैक डे नहीं, ये आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो चुका है।